143 तक क्रॉस किए हैं अभी। हेलो दोस्तों, तो और कैसे आप लोग, आई होप यू गाइस सबसे भी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हनी मंडल एंड अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आप लोग भी बड़ा मस्त रहिए करिए। और देख लो गाइस कितना धूप है यार, फिर भी हम आपके लिए एक वीडियो बनाने आ चुके हैं। और हमारे साथ है गाइस आज हीरो की करिश्मा XMR। आप लोग एक बार व्यू चेक कर लो गाइस, मेरे को तो ओवरऑल बाइक पूरी मस्त लगी। इसका साइड फेयरिंग वगैरह एक नंबर बाइक है गाइस। आप लोग पूरा बाइक का व्यू चेक कर लो आगे पीछे से। सो गाइस बैक से भी लुक कई ज़बरदस्त है। लुक में गाइस कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बस मेरे को थोड़ा सा बेकार लगा, वो चीज़ भी मैं आपको आगे में बताने वाला हूँ। सो गाइस ये रहा पूरा बाइक का ओवरऑल व्यू। सो गाइस आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, बाइक का थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। बाइक है गाइस 210 सीसी की, प्रोड्यूस करती है 25.5 BHP। और बाइक में जो है गाइस इस बार दे दिया है हीरो की ओर से लिक्विड कूल इंजन, जो कि आता है DOHC के साथ। सो गाइस अब हम आपको दिखाने वाले इसका टायर का साइज। सो गाइस इसका जो टायर है ये आता है 140 के साइज में, जो आप लोग यार आप लोग को तो पता ही होगा, जो टायर अपना R15 V3 V4 में आता है सेम टायर यहाँ पे डला हुआ है 140 का। और इसका अलॉय व्हील में भी देखो गाइस कई डिफरेंट दिखने को मिल गया, पूरा कट दिया है, एक नंबर अलॉय व्हील दिया हुआ गाइस। और इसमें सबसे अच्छा चीज़ मेरे को ये लगा कि ये जो बाइक है गाइस ड्यूअल चैनल ABS के साथ आता है। सामने भी ABS है, पीछे भी ABS है। और यहाँ पे हीरो की XMR का पूरा बड़ा सा ब्रांडिंग के साथ लोगो लगा हुआ है यहाँ पे रैप। सो गाइस पीछे से कुछ ऐसा टाइप का है, मेरे को यार ये बड़ा सा टेल टेडी ज़्यादा पसंद नहीं आया, छोटा सा रहता तो बड़ा मस्त लगता है कि नहीं लवानसु भाई, छोटा सा मज़ा आता कि नहीं आता? क्या छोटा वाला डालेंगे ना, वही तो अपन थोड़ा बहुत चेंज कर ही देंगे गाइस, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ब्रेकिंग भी अच्छा है भाई, ब्रेकिंग तो भाई एक नंबर है गाइस, ब्रेकिंग में भी कोई तोड़ नहीं है क्योंकि ड्यूल चैनल ABS जो दे दिया है बाइक में। सो गाइस यहाँ पे करिश्मा का ब्रांडिंग दिया हुआ है टैंक में, टैंक आती है जो गाइस 11 लीटर की। और सो गाइस फुल्ली डिजिटल मीटर है, आप लोग को एक बार चालू करके दिखा देता हूँ। सो गाइस ये है इसका फुल्ली डिजिटल मीटर, अभी है बाइक न्यूट्रल में और चली है 6697 किलोमीटर ओनली, अभी तक फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हुआ है। और यहाँ से जो है गाइस अपन मोड वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पे दिखा देगा कितना किलोमीटर का माइलेज दे रहा है, कितना किलोमीटर चलने वाला है एवरेज, सब चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देगा। बैटरी 12.6, सर्विस ड्यू, पूरा हर चीज़ दिखा देगा गाइस, आज कौन सा तारीख है, डेट है, वो सब दिखा देगा यहाँ पे, फुल्ली डिजिटल है। और यहाँ से आप जो है लो बीम हाई बीम का यहाँ पे दिया है गाइस। और ये जो स्विच देख रहे हो गाइस आप लोग, ये जो स्विच है ये है हैजार्ड का, चारों इंडिकेटर एक साथ जलने का, तो आप लोग देख लो यार चारों इंडिकेटर एक साथ जल चुका है। सो गाइस देखते हो ये है हैजार्ड का बटन, इससे जो है चारों इंडिकेटर एक साथ चालू हो जाते हैं, ठीक है। सो गाइस और मेरे को सबसे बेकार चीज़ इस बाइक में ये लगी है मिरर का, मिरर जो है गाइस देख लो यहाँ से फोल्ड होता है, बाकी बाइक में जैसे यहाँ से होता है यहाँ से इसका मिरर फोल्ड नहीं होता है। और इसका जो है गाइस अपन वाइज़र को ऊपर नीचे कर सकते हैं, वाइज़र का यहाँ पे दिया हुआ है स्विच, इसको आप दबाओगे तो ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, देख लो आवाज़ आ रहा है तो मतलब हो रहा है ऊपर नीचे। और सो गाइस इसका की भी बड़ा मस्त लगा है मेरे को, देख लो एक नंबर दिया हुआ है की, बाकी कंपनियों के बाइक से बेहतर दिया हुआ है इसका की, यही है गाइस इसका कुछ। और इसमें जो है गाइस सस्पेंशन वगैरह भी बड़ा मस्त है, और माइलेज कंपनी रिकमेंडेशन करती है गाइस 40 या 45 किलोमीटर, मेरे को उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने इस बाइक का माइलेज निकाली हुआ है 38 km/h का है कि नहीं लोवानसु भाई, 38 का निकाले है कि नहीं अभी हम लोग? 38। सो गाइस और ये जो बाइक है ये फुल्ली कम्फर्ट बाइक है यार, ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है, समझे स्पोर्टी नहीं है ज़्यादा, नेकेड टूरिंग अपन टूरिंग कर सकते इस बाइक में, ज़्यादा वो है नहीं। और गियर भी बड़ा स्मूथ है इस बाइक का, और सीट बहुत ही सॉफ्ट है इसका, सीट देख लो बहुत ही सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है जैसे अपना RC वगैरह में आता है, RC का तो सीट बहुत टाइट है लेकिन इसका नहीं। और जो है गाइस सबसे बेकार चीज़ मेरे को लगा है इसका ये हेडलाइट के सामने से, यहाँ से थोड़ा और शार्प लुक बना सकते थे गाइस, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोजेक्टर डाल दिया है और यहाँ पे DRL है। सो आप लोग को एक बार चालू करके दिखा देता हूँ DRL में, देख रहे हो गाइस अभी डे है तो अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा, ये है DRL, इधर है लो बीम, ये है हाई बीम, प्रोजेक्टर बीच में दिया हुआ है, थोड़ा शार्प लुक और हो सकता था। और सामने का जो टायर है गाइस, सामने का टायर है अपना 110 का सेक्शन का, और ब्रेकिंग आ जाता है बाइबर का कैलिपर्स, सिंगल सिलेंडर में आती है बाइक, और टॉप एंड जाती है 150 प्लस, मैंने तो अभी तक 147 तक टिकाया है आते समय, और अभी तक तो पूरा फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हुआ करके पूरा भगाया नहीं है, पूरा भगाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा गाइस कितना टॉप एंड जाती है कितना नहीं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था 150 प्लस का, तो अब हम जब भगाएंगे तो ही पता चलेगा। हीरो करिश्मा XMR की साउंड सुना देते एक बार।
सो गाइज अपना बाइक है न्यूट्रल, यहाँ से चालू होता है, एडवांस दिया है मस्त, अलग से नहीं दिया है, इसी में दिया हुआ, अटैच किया हुआ पूरा। सो गाइज साउंड साउंड बताओ गाइज कैसा लग रहा है आप लोग को, थोड़ा बेसी सा साउंड है मस्त। और ये जो कट्स दिए हुए यहाँ पे, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा है ब्लैक एंड सिल्वर में। साउंड सुनो, तो भाई साउंड कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना। चलो अब करते हैं हम बाइक को यहाँ से ऑफ। साउंड थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, NSRS का साउंड लग रहा है, मिक्स पूरा क्रॉसिंग ब्रीड है जैसे लग रहा है कि नहीं। तो सो गाइस यहाँ से आप लोग अगर फोन वगैरह अपना GoPro वगैरह मोटो व्लॉगर वाले भाई लोग चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे USB टाइप दिया हुआ है, क्या जगह मिल जाएगा लेकिन कूल। और यहाँ पे आप लोग को कूलेंट का मिल जाएगा, थूका सबसे पहले मुंह पे कूलेंट आएगा। हाँ वो चीज़ है जब ओवर हीट हो जाएगा तो। और सो गाइस इसमें जो है चारों इंडिकेटर अपने को LED मिल जाता है, NS में तो इंडिकेटर LED नहीं मिलता अभी। अभी तो मैं सिटी में चला रहा हूँ, सीटिंग पोस्चर एक नंबर है गाइस, उतना भी स्पोर्टी नहीं है जैसे अपना R15 वगैरह में है। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादा झुक के नहीं चलना पड़ रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं सामने का व्यू के थ्रू आप लोग को पता चल ही रहा है कि मैं ज़्यादा झुका नहीं हूँ, फिर भी फुल कंफर्ट होकर चला रहा हूँ। मतलब आप इससे जो है लॉन्ग राइड कर सकते हो। और आगे में चल के हम आपको इसका टॉप स्पीड भी दिखा देंगे। और सनसेट का टाइम है, बड़ा मस्त मौसम है, बरसात का टाइम है, सामने से व्यू बड़ी मस्त आ रही है। और बाइक का साउंड भी बड़ी मस्त है। अब पिकअप देख रहे हो, पिकअप भी झट से पकड़ रही है बाइक। वैसे बाइक चलने में तो गाइस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही प्यारी मशीन है। और इससे पहले मैं कोई करिश्मा नहीं चलाई थी, मेरी लाइफ की फर्स्ट बाइक है, हीरो की 23 मॉडल करिश्मा, जिसको मैं चला रहा हूँ अभी, राइड कर रहा हूँ। मैं हूँ यार फुल मूड में आप लोगों को टॉप एंड दिखाने की बाइक में, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है मेरे को, कहीं पे थोड़ा बहुत खाली जगह सा नहीं मिल रहा है सामने में, जो मैं बाइक को पूरा भगा दूं, मतलब पूरा खोल के भगा दूं, समझ रहे हो ना गाइस। और गियर तो गाइस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा, अपनी NS से बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, इसमें भी बाइबर का, NS में भी बाइबर का लगा हुआ है कैलिपर, तो फिर भी मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। शायद इसमें ड्यूल चैनल ABS होगा करके, अपने NS में तो बस फ्रंट में ABS दिया हुआ था सिंगल चैनल, अभी थोड़ा भगा सकते हैं शायद, जैसे मेरे को लग रहा है भगा सकते हैं शायद। देखते हैं कितना जाती है, 110। तक बस भगा पाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं भगा है। नेक्स्ट टाइम अपन कोशिश करेंगे कि 142 का जो रिकॉर्ड है इस बाइक में, हीरो करिश्मा XMR में, इसका रिकॉर्ड अपन तोड़ देंगे। अभी देखते हैं आगे भी अगर एक आध मौका मिलेगा तो फुल भगाते हैं, कोशिश जारी है गाइस आप लोग के लिए, टॉप एंड दिखाना बनता है ना। 102 14 15 19 21 25 26 30 31 35 37 43 तक गया है बस, 143 तक क्रॉस किए हैं अभी। आज यार रोड पूरा खाली नहीं मिल रहा जैसा बाकी दिन रहता है, वैसे आज संडे है ना, शायद कोंडाओं का मार्केट है इसीलिए। बट बाइकिंग बड़ी मस्त है, कंट्रोलिंग बहुत ही अच्छा है, हैंडल स्टेबलाइजिंग भी बड़ी मस्त है, स्टेबल रहते हैं पूरा एक ही जगह पे, ऐसे ऐसे बबल टाइप का नहीं होता है। अपने NS पे तो कभी कभी साला थोड़ा बहुत गिट्टी उट्टी आने से पूरा बबल हो जाता है,